दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक्ट्यूशंस में और मैं हूं आपका दोस्त नमन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडेंसर माइक्रोफोन टेस्ट विद DSLR कैमरा। मेरे पास यहां पर ये राइट कंपनी का कंडेंसर माइक्रोफोन है WR800। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे अपने चैनल पे, तो उसके बाद मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि हम कंडेंसर माइक्रोफोन को DSLR कैमरा के साथ यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और अगर यूज कर सकते हैं तो किस तरह की वीडियो आउटपुट देगा। तो आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे और साथ में मेरे पास यहाँ पर ये फैंटम पावर सप्लाई भी है, ये भी राइट कंपनी की है। तो हम ये दोनों टेस्ट करेंगे। पहले हम कंडेंसर माइक्रोफोन को DSLR के साथ यूज करेंगे, उसके बाद हम फैंटम पावर को भी यूज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन यूज किया जा सकता है या फिर नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, मेरे पास जो DSLR कैमरा है ये है नाइकोन का D3300। इस DSLR में आपको एक्सटर्नल माइक लगाने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर माइक लगाने की ऑप्शन होती है जिसमें आप एक्सटर्नली कोई भी माइक यूज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे DSLR कैमरास भी हैं जिनमें आपको एक्सटर्नल माइक लगाने की ऑप्शन नहीं मिलती। तो जिन DSLR में नहीं मिलती उसमें तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कैमरा में मिलती है, तो इसके साथ हम टेस्ट करके देखेंगे। तो जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप इस माइक का रिव्यू देखना चाहेंगे, फैंटम पावर का देखना चाहेंगे, या फिर इस कैमरा का देखना चाहेंगे, या इस सिस्टम का देखना चाहेंगे, तो ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो जल्दी से चलिए टेस्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर अपना कैमरा सेट कर दिया है ट्राइपॉड पे, जैसा अभी यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे मैंने कनेक्ट किया है। ये सीधा मैंने डायरेक्टली यहाँ पर देखिए इस वायर के साथ अपने माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट कर दिया और माइक्रोफोन को यहाँ पर स्टैंड पे लगा दिया। लेकिन इसकी वायर यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्लग की है मैंने अपने कैमरा के अंदर। और फैंटम पावर सप्लाई अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, इससे आगे वाले ऑडियो टेस्ट में हम फैंटम पावर सप्लाई को भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ इस माइक को यूज़ किया है कैमरा के अंदर। और इसे लगाने का मेथड देख लीजिए, सिंपली मैंने इसे देखिए ये 3.5 mm जैक के साथ लगाया। यहाँ पर ये माइक लगाने की ऑप्शन होती है, तो इसमें मैंने सिंपली इसे प्लग किया है। और यहाँ पर आप कैमरा के अंदर की सेटिंग्स भी देख लीजिए, मेरे वाले कैमरा के अंदर की जो सेटिंग्स हैं वो देखिए। यहाँ पर मूवी सेटिंग के अंदर माइक्रोफोन में जाने के बाद तीन तरह की सेटिंग्स मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए मैं इसे ऑटो सेंसिटिविटी पे यूज़ करूँगा, दोनों ही टेस्ट ऑटो सेंसिटिविटी पे होंगे। यहाँ पर मैनुअल सेंसिटिविटी भी है जिसके अंदर आप इसे मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑटो पे ही रखूँगा। तो ये दोनों टेस्ट जितने भी होंगे ये ऑटो सेटिंग्स पे होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जल्दी से आप टेस्ट देख लीजिए। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे माइक्रोफोन में, और इसे मैंने कनेक्ट किया है DSLR कैमरा के साथ में। तो ये डायरेक्टली प्लग इन किया हुआ है और अभी मैंने फैंटम पावर सप्लाई को यूज़ नहीं किया, ये यहाँ पर साइड पर रखी हुई है। तो आप देख लीजिए कि कंडेंसर माइक्रोफोन को अगर आप DSLR के साथ यूज़ करते हैं तो किस तरह से ऑडियो आउटपुट देगा। और मैंने इसे देख लीजिए कितनी दूरी पर रखा हुआ है, काफ़ी नज़दीक रखा है ये मैंने अपने फेस के। तो आपको पता चल गया होगा कि कंडेंसर माइक्रोफोन अगर हम DSLR कैमरा के साथ यूज़ करें उसकी सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं और क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, ये सारा आपको पता चल गया होगा। अभी हम दूसरा टेस्ट करते हैं जिसमें मैं आपको इसे फैंटम पावर के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने अपने माइक को कनेक्ट किया है फैंटम पावर सप्लाई में, और यहाँ से फैंटम पावर सप्लाई की केबल को लगाया है डायरेक्टली अपने कैमरा के अंदर। तो जल्दी से देख लेते हैं कि फैंटम पावर सप्लाई के साथ ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा और किस तरह की ऑडियो आउटपुट ये देने वाला है। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे WR800 कंडेंसर माइक्रोफोन से, और इसे मैंने कनेक्ट कर रखा है फैंटम पावर सप्लाई के साथ अपने DSLR कैमरा में। तो इस समय जो वीडियो बन रही है वो इस DSLR कैमरा से बन रही है, लेकिन जो ऑडियो सुन रहे हैं आप वो इस कंडेंसर माइक्रोफोन से आ रही है, और इसे फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ किया है मैंने। तो आपको इसको आपके जो क्वेश्चन थे उनके जवाब मिल गए होंगे, क्या हम कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं DSLR के साथ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं यूज़। क्या हम फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको क्या लगा, फैंटम पावर सप्लाई के साथ यूज़ करने से ऑडियो में कोई डिफरेंस आया या फिर नहीं, आप नीचे ज़रूर बताइए। और सेटिंग्स थी जो वो भी मैंने आपको दिखा दी, सेटिंग्स में कुछ खास है ही नहीं, मेरे वाले कैमरा में तो डायरेक्टली प्लग करने से यूज़ हो जाता है। लेकिन मैंने सभी कैमराज तो नहीं यूज़ किए, लेकिन मुझे लगता है सभी कैमराज में इसी तरह से होता होगा, प्लग एंड प्ले होता होगा, जिनमें भी एक्सटर्नली माइक यूज़ करने की ऑप्शन दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इन माइक्रोफोन्स के रिगार्डिंग देख सकते हैं, आप कैमरा के रिगार्डिंग देख सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।